రెడ్డి గారిని పిలువు. మనోహర్ రెడ్డి గారు రమ్మను. లేదు ఉన్నాడు, దిగికి వచ్చాడు. అన్నా ఉన్నాడు. మీడియా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి మీడియా మిత్రులకు, పత్రికా మిత్రులకు అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈనాటి మీడియా సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి పెద్దలు, గౌరవనీయులు పరిచయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. బోలా సింగ్ గారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, అదేవిధంగా వారి పక్కన ఉన్నవారు ఎస్ కుమార్ గారు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యదర్శి, అదే వారి పక్కన ఉన్నటువంటి బొడ్డు నాగలక్ష్మి గారు, ఎస్సీ మోర్చా జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, తెలంగాణ సహ ఇన్ఛార్జు, నా పక్కన ఉన్నవారు పెద్దలు గౌరవనీయులు గంగిని మనోహర్ రెడ్డి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు, ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర ప్రభారి వేముల అశోక్ గారు, జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు కుమ్మరి శంకర్ గారు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు కాంతి కిరణ్ గారు, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గారు, జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి బోలా సింగ్ గారు, ఈరోజు రేపు అనగా 30-31 రోజు రెండు రోజులు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వారు పర్యటన చేస్తూ ఉన్నారు. నరేంద్ర మోడీ గారి 8 ఏళ్ల పాలనపై, ఈ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై, నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఎస్సీల మీద ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఎస్సీల అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి విషయాల మీద ఈరోజు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వారు పర్యటించడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఈరోజు ఉదయం నుంచి ఇక్కడనే ఎస్సీ మోర్చా నాయకులతో, ఎస్సీ సంబంధించినటువంటి నాయకులతో సమావేశం నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. రేపు వారు వరంగల్ వెళ్తారు. ఈ యొక్క తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం, ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ రాబోయే రోజులలో చేసేటటువంటి యాక్టివిటీ మీద మీతో వారు ప్రశ్నలు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. భారతీయ జనతా పార్టీ అనుసూచిత జాతి మోర్చాకే ప్రదేశ్ కే అధ్యక్ష శ్రీ కొప్పు బాసాజీ ఆర్ अपने मोर्चे के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मनोहर रेड्डी जी और हमारी सह प्रभारी श्रीमती नागलक्ष्मी जी और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आज बड़ा सौभाग्य और हर्ष का दिवस है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूर्व हुए. इन 8 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनुसूचित वर्ग के लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित वर्ग की समस्याओं के लिए, उनके समाधान के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनको मिलने वाले अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हुए संविधान लिखा, उस संविधान को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को पंचतीर्थ के द्वारा
निर्माण करके देश को धरोहर देकर उसको सम्मानित करने का कार्य है और अनेकों जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के सभी अनुसूचित वर्ग के भाइयों को प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया गया और इसके साथ साथ इस देश में हर वर्ग में हर क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर कोने में हर गांव में हर मोहल्ले में हर गली में विकास पहुंचा है। दो साल कोरोना महामारी का होने के बावजूद देश के करोड़ों देशवासियों को वैक्सीनेशन मुफ्त में देने के बावजूद लोगों को अनाज मुफ्त में देने के बावजूद उनका इलाज करने के बावजूद देश के विकास की गति में कोई रुकावट नहीं आई है। हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के माध्यम से हॉस्पिटल्स का निर्माण मेडिकल कॉलेज का निर्माण एम्स का निर्माण एयरपोर्ट्स का निर्माण देश में 8 सालों में देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा है। हम देखते हैं कि 2014 से पहले लगभग 63 साल कांग्रेस और यूपीए का शासन रहा उस शासन में जो योजनाएं जो कार्य जो चिंता बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए सोचा नहीं उन्होंने वो काम मोदी जी की सरकार में हुए और इनकी शुरुआत जब अटल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उन्होंने चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का हो चाहे नेशनल हाईवे का हो चाहे आपको एटॉमिक एनर्जी लाने का वो हो ये सारी सोच विचार अटल जी ने शुरुआत की थी और उनको पूरा करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि तेलंगाना में जो टीआरएस की सरकार है वो सरकार इस प्रदेश के दलितों के लिए अनुसूचित वर्ग के महिलाओं के लिए युवाओं के लिए किसानों के लिए सरकार की योजनाओं का लाभ देने से वंचित रखे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है लेकिन तेलंगाना की सरकार यहाँ के अनुसूचित वर्ग के लोगों के लिए गरीबों के लिए उस योजना का लाभ नहीं देने दे रही। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड से पूरे देश के देशवासी लाभ ले रहे हैं लेकिन तेलंगाना का सरकार इस तेलंगाना प्रदेश के गरीबों को इलाज करने से वंचित रख रही है आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ नहीं लेने दे रही। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो गरीबों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है उसका लाभ यहाँ की सरकार नहीं लेने दे रही है। इवन जो यहाँ का बजट है जो एससी के नाम पर बजट आता है उसका उपयोग भी प्रदेश की सरकार दूसरे कार्यों में कर रही है एससीओ को उसका लाभ नहीं देने दे रही। स्कॉलरशिप जो मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक और विदेशों में जाने की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित वर्ग के युवाओं के लिए बनाई है उसका लाभ भी यहाँ की सरकार नहीं देने दे रही है। यहाँ की सरकार ने हमेशा 8 साल सरकार को हो गए आज जब सरकार नहीं बनी थी तो दलितों के बीच में जाके अपने भाषणों में घोषणाओं में कहते थे कि हम अनुसूचित वर्ग के सम्मान रखने के लिए मुख्यमंत्री जी भी एससी कैटेगरी का बनाएंगे लेकिन मुख्यमंत्री तो दूर की बात है जो मिलने वाले अधिकार और विकास के कार्य है उनमें बाधा प्रदेश की सरकार बनने का काम कर रही है। हम देखते हैं कि अनुसूचित वर्ग के किसी व्यक्ति पर कोई अत्याचार होता है उस पर मर्डर होता है उसकी FIR तक नहीं लिखने देती प्रदेश की सरकार। यहाँ तक कि जो और अन्य कार्य हैं जिस तरीके से प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजनाओं को रोकने के साथ साथ जो यहाँ की जनता से चुनाव के समय में वादे किए थे वो वादे 3 एकड़ जमीन देने का वायदा हो चाहे लोगों को 10 लाख रुपए देने की योजना हो उन सब पे रोक लगाने के साथ साथ यहाँ पर जो अधिकार पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के द्वारा दलितों को दिलवाया अनुसूचित वर्ग को दिलवाया यहाँ के मुख्यमंत्री बात करते हैं कि उस अधिकार में हम उसको खत्म संविधान को ख़त्म करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल है जो लोकसभा ने पारित किया है उसको एक मुख्यमंत्री कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यानी इनका मानना मुझे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा देश के दलितों को मकान दिए जा रहे शौचालय दिए जा रहे आयुष्मान भारत कार्ड दिए जा रहे किसान सम्मान निधि में
उनको अनुदान दिया जा रहा, युवाओं को शिक्षा के लिए रोजगार दिए जा रहे, शिक्षित किया जा रहा, स्टार्टअप में उनको मजबूत करने के लिए स्टार्टअप से आगे बढ़ने का अवसर दिया जा रहा, मुद्रा से उनको लोन दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट का स्किल सुधारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य कि देश का हर अनुसूचित वर्ग का युवा महिला आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और अपने पैरों पर खड़ा होकर नौकरी की लाइन में लगने की बजाय खुद नौकरी देने वाला बने। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री जी उस संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि आज हमारे प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और वो जिस देश में भी जाते हैं हम देखते हैं कि वहाँ के सरकार और वहाँ का पूरा शासन प्रशासन उनके सम्मान के लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी का तेलंगाना में आना होता है तो यहाँ के मुख्यमंत्री पे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए टाइम नहीं होता है। तो दुर्भाग्य की बात है, तेलंगाना की जनता समझ चुकी है, उन्होंने देखा है और जिस तरीके से 8 सालों में यहाँ का कुशासन और लोगों के अत्याचार और भ्रष्टाचार जिस रूप में देखा है वो हम समझ सकते हैं और उसका परिणाम भी आने लगा है। हम देखते हैं कि किसी भी राज्य में अगर उपचुनाव होता है तो उस चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के विधायक जीतते हैं, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है कि अभी 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ, उन 3 सीटों पर 2 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीते। ये जनता समझ चुकी है, जनता बदलाव के मूड में है और उन्होंने तय कर लिया है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा तेलंगाना में उसमें 70% बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और जो अपने अनुसूचित वर्ग के लोग, किसान, महिला, युवा केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित हैं उनके लाभ पहुंचाने में अपने इस प्रदेश को भी लाभ लेने का काम करेंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, वहाँ की जनता ने वहाँ की पूर्वकालीन सरकारों से परेशान होकर त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और आज उत्तर प्रदेश सबसे उत्तम प्रदेश बन रहा है जिस तरीके से पूरे देश में, उसी तरीके से तेलंगाना भी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा और सरकार की योजनाओं के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेलंगाना का विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जो यहाँ की भ्रष्टाचारी सरकार है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के एक प्राउड के साथ में एक जो प्रधानमंत्री जी के सम्मान के उसमें उनके पास समय नहीं है, ऐसे मुख्यमंत्री को ऐसी सरकार को उखाड़ने का काम अनुसूचित वर्ग के सभी कार्यकर्ता मिलके एक योजना अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनी है, हर अनुसूचित बूथ को मजबूत करना और सरकार की योजनाओं को वहाँ तक लोगों को जानकारी देना और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 8 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे हुए हैं उनको जनता तक पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अनुसूचित वर्ग के लिए संगठन की मजबूती, हर अनुसूचित वर्ग का बूथ भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में जीते उस कार्य योजना के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के 8 साल सेवा सुशासन के हो रहे हैं इसके लिए पूरे देश में सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा सरकार की योजनाओं के लिए कार्यक्रम बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक चलाए जाएंगे उसकी योजना की तैयारी के लिए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने इसका रणनीति योजना तय करके अनुसूचित बूथों पर, क्योंकि जिस तरीके से इस देश में पहली बार अनुसूचित वर्ग को सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिला है और वो सम्मान चाहे वो राष्ट्रपति बनाने के रूप में हो, चाहे अनुसूचित वर्ग के 12-12 मंत्री केंद्र सरकार में बनाने के रूप में हो, चाहे 3-3 राज्यपाल अनुसूचित वर्ग के बनाने के रूप में हो और चाहे अपने राज्यसभा में रिजर्वेशन ना होने के बावजूद भी 6-6 राज्यसभा के सदस्य अनुसूचित वर्ग के रूप में देने के लिए हो, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा SC मोर्चे के अलावा जो पार्टी का मूल संगठन है उसमें भी अहम पदों पर महामंत्री के पद पे, उपाध्यक्ष के पद पे अनुसूचित वर्ग के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का सबका समान अधिकार और लोगों को समान जीने का अधिकार देने की बात थी उसको पूरा सम्मान अधिकार और स्वाभिमान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अंदर की धन्यवाद। थैंक यू।
मरे यार।